दोस्तों, जादू देखना किसे पसंद नहीं, लेकिन क्या आपने कभी इसके पीछे की हकीकत को जानने की कोशिश की है? आज हम आपको कुछ ऐसे ही जादू की ट्रिक्स बताएंगे और उनके पीछे के सीक्रेट्स को रिवील करेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक। पहली ट्रिक, द अपियरिंग बियर ट्रिक। डॉम चैम्बर एक म्यूजिशियन है जिनकी मैजिक के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन आज हम आपको इनकी एक मैजिक ट्रिक के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने इस ट्रिक को अमेरिकन्स गॉट टैलेंट में परफॉर्म किया था और अपने इस परफॉर्मेंस से सभी को हैरान कर दिया था। तो क्या है वो ट्रिक? इसमें उन्होंने ऑडियंस को एक पेपर बैग दिखाया जो पूरी तरह से खाली था, लेकिन वो अपने हाथ उस बैग में डालकर बियर की बोतलों को निकालता। फिर बाद में उन्होंने उस बैग से कई सारी बॉटल्स को निकाला। कभी वो अपने जैकेट की आस्तीन से बियर की बोतल निकालते और कभी उस बैग से छोटी छोटी बोतलों को निकालकर उसे एक बड़ी सी बोतल में बदल देते। और अब हम बात करते हैं इस ट्रिक की सबसे हैरान करने वाली मैजिक ट्रिक के बारे में। वो अपने शूज को उतारते और उसमें से एक बियर के भरे ग्लास को निकाल कर दिखाते और कभी अपने शूज से एक बियर के खाली ग्लास को बाहर निकालते। तो अब बात करते हैं उन्होंने ये कैसे किया। ये सिर्फ हाथों का कमाल है और इस स्टेज पर रखे इस टेबल के बिना इस ट्रिक को परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है। इस टेबल में ये हिडन शेल्फ है जो बाहर से नहीं देखा जा सकता, और इसी में उस म्यूजिशियन ने बियर के ग्लास को रखा था और कुछ अपने जैकेट्स के पॉकेट में, और सही वक्त पर अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके वो एक एक करके बोतलों को बाहर निकाल रहा था। अब बात करते हैं उस म्यूजिशियन ने खाली पेपर बैग से भरे ग्लास को कैसे निकाला। तो इस ट्रिक में पेपर बैग को पीछे से कट किया गया था। ऑडियंस के देखने पर उन्हें वो बिल्कुल नॉर्मल सा बैग दिखाई दिया और बड़ी ही चालाकी से अपने हाथों को बैग में डालकर उसके कटे हुए हिस्से के जरिए अपनी पॉकेट से उन बोतलों को बाहर निकाला, और इस ट्रिक का इस्तेमाल करके वो अपने दूसरे पॉकेट से बोतलों को बाहर निकालता। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ये ट्रिक समझ आ जाएगी। और दूसरी ट्रिक में वो अपने बैग से एक छोटी बोतल को बड़ी बोतल में बदल देते हैं। अगर आपने गौर से देखा तो आप नोटिस करोगे उसके हाथ में पहले से ही एक छोटी सी बोतल मौजूद थी, और उसने लोगों का अटेंशन उस बैग पर ही बनाए रखा और बड़े ही चालाकी से अपने लेफ्ट साइड के पॉकेट से बियर की बोतल को उस छोटी बोतल से बदल दिया। नंबर दो, स्पून बेंडिंग ट्रिक। दोस्तों, इस ट्रिक में म्यूजिशियन एक स्पून लेता है और बहुत ही ध्यान से देखता है उसे, और देखते ही देखते वो स्टील का चम्मच खुद ब खुद मुड़ने लगता है। म्यूजिशियन का कहना है कि वो ये सब अपने दिमाग की शक्ति से करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अब जानते हैं इस ट्रिक की सच्चाई के बारे में। दरअसल म्यूजिशियन पहले से ही एक मुड़ा हुआ स्पून अपने हाथ में रखता है और उसके साथ उस चम्मच का पिछला कटा हुआ हिस्सा भी अपनी उंगलियों में छुपा कर रखता है, और वो बैंड चम्मच को बड़ी ही आसानी से अपने हाथों में छुपा लेता है, और चम्मच का दूसरा हिस्सा अगले हिस्से से इस तरह जुड़ा होता है कि दर्शकों के देखने पर ऐसा लगता है कि वो एक ही स्पून है। और स्टेज पर म्यूजिशियन उस चम्मच को ऐसे देखता है मानो वो अपनी माइंड की पावर का इस्तेमाल कर रहा हो, और बड़ी ही चालाकी से चम्मच के दूसरे हिस्से को नीचे की तरफ मूव करता है और उसे अपनी जैकेट में छिपा लेता है, और उस बैंड स्पून को दर्शकों के सामने दिखाकर ये विश्वास दिलाता है मानो उसने चम्मच को अपने माइंड की वजह से बैंड किया। नंबर तीन, फ्लोटिंग रुपी। ये एक ऐसी ट्रिक है जो कोई भी बड़ी आसानी से कर सकता है। ये ट्रिक आपने भी बहुत बार देखी होगी जिसमें म्यूजिशियन अपने हाथों के बीच नोट को लटका देता है, जिसे देखने पर नोट खुद ब खुद हवा में उड़ती हुई दिखाई देती है। अब जानते हैं इसका सीक्रेट। तो इसे करने के लिए सिर्फ ऐसे थ्रेड की जरूरत है जो बहुत बारीक और आसानी से दिखाई न दे। ये एक स्पेशल तरह का धागा होता है जिसे म्यूजिशियन थ्रेड कहा जाता है, जो देखने पर बिल्कुल दिखाई नहीं देता। फिर म्यूजिशियन इस धागे को किसी स्पेशल टेप से नोट पर चिपका देता है, और फिर जादूगर उसे कुछ इस तरह स्टेज पर दिखाता है। नंबर चार, द बो एंड एरो ट्रिक। एक बहुत ही मशहूर म्यूजिशियन एरन क्रो, जो एक डेंजरस ट्रिक के लिए जाने जाते हैं, और उन्होंने इस परफॉर्मेंस से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उसने ये परफॉर्मेंस अमेरिकन गॉट टैलेंट और दूसरे कई शोज में किया था। एरन ने पहले स्टेज पर दो जजेस को बुलाया
और इस लड़की को अपना हाथ दिखाने को कहा। उसके बाद उसने हाथ से एक रिंग निकाली। उसके बाद उसने एक एप्पल को अपने पॉकेट से निकाला और एक नाइफ से एप्पल के सेंटर में एक होल किया। फिर उस एप्पल के एक सुराख में उसने रिंग को डाला और उसे बाहर से बंद कर दिया। इसके बाद म्यूजिशियन ने एक दूसरे जज को उस लड़की के पीछे खड़े होने को कहा। उसके बाद जज को एक वुडन ट्रे पकड़ने को कहा जिसके ऊपर एप्पल रखा था। उसके बाद एरन ने टारगेट पर सटीक निशाना लगाकर तीर से टारगेट को शूट किया और उस टारगेट बोर्ड पर धसे तीर से वही रिंग निकलती है जो उसने एप्पल में रखा था। तो उसने ये कैसे किया, तो जानते हैं इस ट्रिक के सीक्रेट के बारे में। असल में एरन ने कोई तीर शूट नहीं किया था। जो भी आपने देखा वो महज एक इल्यूजन था, सिर्फ हाथ का कमाल था। ये सारी चीजें अलग अलग है जिसे सही टाइम पर सेट करके परफॉर्म किया गया है। तीर को दागना, एप्पल के दो हिस्सों में टुकड़े होना और टारगेट पर तीर को शूट करना, ये सब एक टेक्निक की मदद से किया गया है और इस मैकेनिज्म ने इस ट्रिक को पॉसिबल बनाया है। इस तीर कमान में ही एक सीक्रेट छुपा है। असल में इससे तीर निकलता ही नहीं बल्कि वो उसी में लगे एक मैकेनिज्म की वजह से वही राउंड हो जाता है और इसमें लगा लेजर लाइट जो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए काफ़ी है। देखने पर लगता है मानो एरन ने सच में तीर चलाया। अब बात करते हैं टारगेट बोर्ड की। दरअसल इस टारगेट बोर्ड में पहले से ही एक तीर फिट किया गया था और इस काले कपड़े के पीछे इस तीर को एक स्प्रिंग मैकेनिज्म की मदद से बाहर ऐसे रिलीज किया जाता है जिसे देखने में लगता है यहाँ सच में तीर को शूट किया गया है और इसे एक रिमोट की मदद से चलाया जाता है। अगर आप इसकी एंगुलर मूवमेंट को देखोगे तो इस मैकेनिज्म को समझ जाओगे। अब बात करते हैं इसमें मौजूद रिंग की। तो क्या ये रिंग फेक है? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये वही रिंग है जो उस जज ने पहनी थी। तो आखिर ये रिंग उस तीर में कैसे गई? तो इसका सीक्रेट उस एप्पल में है जिसमें एरन ने सुराख किया था। आप इस एप्पल को जरा गौर से देखिए, देखोगे तो पता चलेगा कि इसमें जो सुराख है वो दोनों सिरों से सेम नहीं है बल्कि इसका एक सिरा बहुत छोटा है और दूसरा काफ़ी बड़ा है। म्यूजिशियन ने बड़ी ही चालाकी से उस रिंग को एक छेद से गुजार कर दूसरे से उसे निकाल लिया और अपने पास उसे छिपा लिया। और जब आपने टारगेट को सही पोजीशन पर रख रहा था उसी वक्त उसने रिंग को वहां फिट कर दिया। अब बात करते हैं उस एप्पल के दो हिस्सों में टुकड़े होने की। तो वो कैसे हुआ? तो इसका जवाब है उस ट्रे में जिस पर एप्पल रखा गया था। यहां पर भी एक स्प्रिंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया गया है जिसे रिमोट की मदद से उसमें मौजूद लोडेड नाइफ को ऐसे रिलीज किया गया है जिससे वो एप्पल परफेक्टली दो हिस्सों में बट गया और इन सारे ही मैकेनिज्म की मदद से इस इल्यूजन को मुमकिन बनाया गया है। अब बात करते हैं एक ऐसे मैजिक ट्रिक की जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और कोई भी इस ट्रिक को रिवील नहीं कर पाया बल्कि बहुत लोग इसे एक रियल मैजिक समझते हैं। इस मैजिक ट्रिक को ब्रिटेन गॉट टैलेंट में परफॉर्म किया गया है जिसमें एक म्यूजिशियन मार्शल नामी शख्स एक बेड पर लेट जाते हैं और सोने की एक्टिंग करते हैं। फिर मार्शल अपने आप को एक चादर से कवर करता है और अचानक से एक लड़की बाहर निकलती है। ये इतने कम समय में होता है कि कोई समझ नहीं पाता, और अगर ये कोई हाथ की सफाई भी है तो इतने कम टाइम में कैसे की जा सकती है। इसके बाद स्टेज पर एक आग लगाई जाती है और उस स्पार्क के बीच से हमें मार्शल दिखाई देते हैं और इस बार उनका ड्रेस भी चेंज होता है। इसके बाद मार्शल को एक पिंजरे में बंद किया जाता है और काली टेप से उस पिंजरे को कवर किया जाता है और उस पिंजरे से नेजे गुजारे जाते हैं और फिर इस पिंजरे को जला दिया जाता है जिसमें मार्शल मौजूद होते हैं। और फिर मार्शल दोबारा उसी बेड पे लेटा हुआ मिलता है और उसने वही कपड़े पहने होते हैं जो उसने सोने से पहले पहना होता है। और इस तरह इस ट्रिक को परफॉर्म किया जाता है। आपने जरूर सोचा होगा आखिर ये हुआ कैसे? तो सबसे पहले बात करते हैं इस मैजिक के उस पार्ट की जिसमें उस आदमी की जगह एक लड़की आ जाती है जो वहाँ मौजूद नहीं होती। असल में इस मैजिक का सीक्रेट नीचे मौजूद उस बेड में है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको बेड के नीचे मौजूद एक कर्व दिखाई देगा। ये कर्व ऐसे ही नहीं है बल्कि यहाँ एक आदमी की जगह मौजूद है और बेड के लेफ्ट साइड में एक कंपार्टमेंट है जहाँ से वो आसानी से खुल जाता है। और अगर हम इस वीडियो में देखें तो एक आदमी शैतान का भेस बनाकर जजेस को डराता है ताकि उनका ध्यान भटक जाए। और उसी दौरान आप देखोगे कि बेड में से कोई निकलता है और यही इस ट्रिक का सीक्रेट है जिसे देखकर हर कोई चौंक जाता है। और दूसरे पार्ट में दो आदमी इस बेड को घुमा देते हैं और प्लेटफॉर्म के ऊपर आधे बेड को रख दिया जाता है क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में भी एक ऐसा ही कंपार्टमेंट मौजूद है। और जब स्पार्क होता है तो कंपार्टमेंट से निकलकर वो आदमी
प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो जाता है। अब जानते हैं इतने शॉर्ट टाइम में उसके कपड़े कैसे बदल गए। तो इस मैजिक की शुरुआत में आप देखोगे तो आपको अंदर एक येलो कलर का शर्ट नजर आएगा। अब बात करते हैं जब मार्शल उस पिंजरे में मौजूद होते हैं तो कुछ लोग पिंजरे से नेजे गुजारते हैं। तो ये कैसे हुआ? आप गौर करोगे तो आपको दिखेगा कि इस केज के नीचे भी एक प्लेटफॉर्म मौजूद है जिसमें भी उसी कंपार्टमेंट का इस्तेमाल किया गया है। और जब इसे बेड के साथ जोड़ा जाता है तो मार्शल उस केज वाले कंपार्टमेंट में से उस बेड वाले कंपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं। और जब वो लोग उस पिंजरे में नेजे मारते हैं तो मार्शल उस पिंजरे में नहीं होते बल्कि वो बेड वाले कंपार्टमेंट में छिपा होता है। और फिर जब चादर को बेड पर कवर किया जाता है तो मार्शल दोबारा उस कंपार्टमेंट से बेड पर लेट जाते हैं। तो देखा, इन्हीं टेक्निक की मदद से इस मैजिक ट्रिक को अंजाम दिया गया है। ये देखने में जितना आसान दिखाई देता है असल में इसे परफॉर्म करना उतना ही मुश्किल है। इसमें प्रैक्टिस और सही टाइमिंग की बहुत जरूरत है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में।